यानी क्वेश्चन जो स्क्रीन पर होंगे वो इंग्लिश में होंगे और एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सितंबर का जो महीना है, सितंबर का महीना, उसके बेस्ट 300 क्वेश्चन। ये हम 75x4 यानी एक वीडियो में 75 क्वेश्चन कवर करते हैं और चार वीडियो में पूरी सीरीज पूरा करते हैं। तो ऐसे करके हम महीने के जो सबसे अच्छे 300 प्रश्न है उनकी रिविजन करते हैं। ये रिविजन वीडियो है, तो भाग एक हम शुरू करते हैं इसमें। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी क्वेश्चन जो स्क्रीन पर होंगे वो इंग्लिश में होंगे और एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी। और अगर आप शुद्ध हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसका अलग से वीडियो आता है, वो शुद्ध हिंदी में उपलब्ध होता है। तो दोनों तरह से हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड कोकोनट डे, ये 2 सितंबर को मनाया गया, वर्ल्ड कोकोनट डे। इस बार इसका थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को मनाया गया, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये 5 सितंबर को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। अब देखते हैं ओबिचुअरी, यानी जो इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। तो जो एक व्यक्ति थे जो रूबी जो है स्कूबी डू बनाया था इन्होंने, इनकी डेथ हो गई। ये स्कूबी डू कार्टून कैरेक्टर के को क्रिएटर थे। भारत के पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की डेथ हो गई। ये भारत के 13th प्रेसिडेंट थे, 13वें राष्ट्रपति थे। भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट की डॉक्टर जो होती है स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एस पद्मावती की डेथ हो गई। और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डेविड कपेल, इनकी डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी चार जो ऑप्शन जिसमें रहते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि लोकसभा जो है उसका नया सचिव कौन बना है, यानी कि सेक्रेटरी कौन बना है लोकसभा में। इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं हार्दिक शाह। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, निजी सचिव हैं, उनका नाम है वी प्रवीण सिद्धार्थ। दोनों याद रखिए। हमारा कौन सा सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स है, यानी अर्धसैनिक बल है, जिसने एक मोबाइल ऐप बनाया है पेंशन कॉर्नर, जो सेवानिवृत्ति जिनकी हो चुकी है, रिटायरमेंट हो चुकी है, उनके लिए बनाया है ये मोबाइल ऐप। तो ये बनाया है अभी भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने, यानी सीआईएसएफ ने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने एक ई कार्यालय नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, ई कार्यालय। और इन्होंने सिक्योरिटी पीडिया भी लॉन्च किया था, सिक्योरिटी पीडिया। राजेश रंजन जो है वो इसके महानिदेशक हैं, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ये भी याद रखिए। असर, संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका, ये तीनों योजनाएं किस राज्य ने शुरू करी हैं? तो ये इस योजना का नाम है वाईएसआर आसरा। ये योजना, इसको प्रोनाउंस करते हैं आसरा, ठीक है, वाईएसआर आसरा। फिर संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका, ये योजनाएं अभी अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करी हैं। संपूर्ण पोषण में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें पोषण दिया जाएगा। जो आसरा योजना है इसमें महिला सशक्तिकरण है, उनको वित्तीय स्थिरता दी जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और विद्या कनुका में बच्चों के पास अगर पढ़ने का सामान नहीं है तो वो उन्हें दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है, यहां पे लॉर्ड वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, और यहां पे रामेश्वरम नेशनल पार्क भी है। नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व जो है वो यहां पे है। पुलिकट और कोलेरू, दो लेक भी यहां पे हैं। नीति आयोग ने अभी अभी नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी और परिवहन पहल है एशिया के लिए, इसके लिए इंडिया कंपोनेंट लॉन्च करा, यानी भारत के घटक को लॉन्च करा है। तो ये बताइए ये प्रोग्राम कितने साल तक चलेगा? इसमें जो हमारा यातायात है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, उसे डीकार्बनाइज करा जाएगा। डीकार्बनाइज का मतलब यह है कि उसमें से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। यह प्रोग्राम जो है 4 साल चलेगा और यह 3 कंट्रीज में चलेगा। ये 3 कंट्री हैं इंडिया, चाइना और वियतनाम। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, चाइना और वियतनाम, इन 3 देशों में यह प्रोग्राम चलेगा। इसमें यातायात को पूरी तरह से डीकार्बनाइज किया जाएगा। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप कंपनी का रिटेल यानी खुदरा बिजनेस खरीद लिया है, ठीक है। रिलायंस रिटेल ने कितने में खरीदा है? यह इन्होंने खरीदा है 24,713 करोड़ रुपए में। और फ्यूचर ग्रुप कंपनी के मालिक हैं मिस्टर किशोर बियानी। अभी अभी अफ्रीकी विकास बैंक ग्रुप, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का अध्यक्ष कौन बना है? इनका नाम है डॉक्टर आकिनवुमी आदेसिना। ये बने हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के अध्यक्ष। अभी अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में पहली बार एक महिला उसकी महानिदेशक बनी है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है उषा पढ़ी। और हमारे जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा जो एयर इंडिया है उसका चेयरमैन भी आपको पता होना चाहिए, एयर इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर राजीव बंसल। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अरविंद सिंह, ये भी काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक दिल्ली एयरपोर्ट ने पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है एयर सुविधा पोर्टल।
कौन सा बैंक है दिल्ली से मेरठ तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है द्रुतगामी राजमार्ग उसका वित्त पोषण करेगा, यानी उसका उसमें जो लोन है वो ये बैंक देगा और इसके लिए लगभग $1 बिलियन का जो लोन है वो चाहिए। दिल्ली मेरठ मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो दिल्ली से मेरठ तक एक तो एक्सप्रेसवे बनेगा और एक मेट्रो जाएगी, तो उसके लिए खर्चा जो होगा वो भी भारत का कौन सा बैंक देगा? ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इस बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा और इस बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं वाइस चेयरमैन वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा, दोनों याद रखिए, दोनों नाम आपके लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर का जो महीना है सितंबर का वो सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है किस चीज के लिए? तो इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण माह के रूप में इसे मनाया जाएगा। अभी अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी भारत की जो अपनी खुद की सरकार का एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी कितना श्रिंक हुआ है, कितना उसमें डिक्रीज देखा गया है, तो यह डिक्रीज जो था फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल मई और जून के महीने में, यह हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी उसमें ऑलमोस्ट 24% यानी 23.9% कॉन्ट्रेक्शन देखा गया है, तो -23.9% जीडीपी ग्रोथ हमारा देखा गया है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि सौर ऊर्जा का जो पेड़ है वो बनाया है, ये कहां पे लगा है? ये लगा है जहां पे सीएमईआरआई है, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी सीएमईआरआई, तो ये लगा है दुर्गापुर में, दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। और यहां पे इसकी क्षमता पूछ सकते हैं आपसे, तो ये 11,500 वाट यानी कि 11.5 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले सबसे बड़ा सोलर ट्री जो था वो लंदन में था। और हमारा नेशनल सोलर मिशन का टारगेट ये है कि हमें 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और टोटल 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी उसका हमें उत्पादन करना है। और हमारा जो इंडियन नेवल एकेडमी है ये एजीमला में है, एजीमला केरला में है, वहां पे सबसे बड़ा इंडियन नेवी ने अपना सोलर प्लांट लगाया है जिसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट। वेस्ट बंगाल में दो टाइगर रिजर्व है, एक तो है बक्सा और दूसरा है सुंदरवन। इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेलवे ने एक मेडिकल ट्रॉली बनाई है जो रिमोट कंट्रोल से चलती है, ये पेशेंट्स को खाना वगैरह देने के काम आएगी, क्योंकि डॉक्टर अगर या नर्स देने जाएगा तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है मेडबॉट, इसका नाम है मेडबॉट। इंडियन रेलवेज ने एक रोबोट भी बनाया था जिसका नाम है आस्क दिशा, आस्क दिशा को आस्क लक्ष्मी से कंफ्यूज मत करना, आस्क लक्ष्मी बनाया है सिटी यूनियन बैंक ने। भारतीय रेलवे ने अभी अभी दो म्यूजियम बनाए हैं, एक तो हुबली में बनाया है और दूसरा बनाया है शिमोगा में अरासल्लू रेलवे स्टेशन पर जिसे बोलते हैं मालगुड़ी म्यूजियम। ये मालगुड़ी डेज एक किताब थी आर के नारायणन की, उसके ऊपर बेस्ड है, ये भी याद रखिए। गुजरात की सरकार अपना सबसे पहला सी प्लेन शुरू करेगी, सी प्लेन जो होता है, तो ये अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे है, तो ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन करेगी? ये करेगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन, समुद्री विमान सेवा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर है 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बर्थडे होता है। और गुजरात में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला बनी है यानी कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनी है, सबसे पहली भारत की आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। और गुजरात में एक मधुबन नाम की कैरेट है, गाजर, जो बनाई थी किसानों ने, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, तो ये कैरेट है जूनागढ़ के किसानों ने बनाई थी, ये भी याद रखिए गुजरात के बारे में। बाकी धनवंतरी रथ यहां पे चल रहे हैं, मोबाइल मेडिकल वैन धनवंतरी रथ। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये भारत के किस राज्य ने शुरू करी है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, 19 बहुत फेमस खिलाड़ी जो है जैसे चेतन चौहान वगैरह, उनके घरों तक सड़कें बनाई जाएंगी, तो ये है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। यहां पे उत्तर प्रदेश में एक चिड़ियाघर भी बन रहा है जिसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा, ये गोरखपुर में बन रहा है और गोरखपुर का जो टेराकोटा आर्ट है इसे जीआई टैग भी मिला था, भौगोलिक संकेतक भी मिला था। बाकी यहां पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क है और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अभी अभी चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है मिस्टर अविक सरकार, अविक सरकार ये बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन। मिंत्रा जो कंपनी है, फैशन कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा अडवाणी को, कियारा अडवाणी। अदानी ग्रुप जो है भारत में, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें उन्होंने कितना हिस्सा खरीद लिया है? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सा खरीद लिया है अदानी ग्रुप ने, अदानी ग्रुप ने। और जयपुर का जो एयरपोर्ट है, जयपुर का जो हवाई अड्डा है, गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है और तिरुवनंतपुरम, ये भी 50 साल के लिए किराए पे दे दिए हैं अदानी ग्रुप को। कौन सा भारत का राज्य है जहां पे सबसे पहली महिला ड्राइवर जो एम्बुलेंस को चलाती है उन्होंने अपना कार्य शुरू किया? तो इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी, इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी और ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पहली बार भारत में एक महिला ड्राइवर है एम्बुलेंस को चलाने वाली, एम वीरा लक्ष्मी। मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहां पे। और तमिलनाडु की सरकार ने मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया है सौम्या स्वामीनाथन को, चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड, सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO में चीफ साइंटिस्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मुख्य वैज्ञानिक है। मुस्तफा अदीब, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं अभी अभी?
यह देश, इसकी राजधानी है बेरूत। बात हो रही है लेबनन की, तो आंसर है लेबनन। कौन सा देश है जो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस का एक ब्रॉन्ज यानी कांस्य का बुत बनाएगा? यह जो बुत है यह बनेगा चाइना में, तो आंसर है चाइना। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनेस जो है शोलापुर महाराष्ट्र के थे। भारत का पहला जो खिलौना बनाने वाला क्लस्टर है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वो कहां पे बनेगा? ये बनेगा कर्नाटका के कोप्पाल में। और कर्नाटका में एक रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, रामनगर जिला, वहां पे चन्नापटना के खिलौने बहुत मशहूर है। चन्नापटना के खिलौने हैं कर्नाटक के। और एक खिलौने और याद रखिए, एटीकोपक्का के खिलौने, एटीकोपक्का टॉयज, जो अगेन भारत के हैं, और आंध्र प्रदेश के खिलौने हैं एटीकोपक्का टॉयज। अभी अभी पहला अफ्रीकी कंट्री कौन सा है जिसने स्लीपिंग सिकनेस यानी ट्रिप्नोसोमियासिस बोलते हैं, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, उसको पूरी तरह से उसका उन्मूलन कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है? तो ये जो डिजीज फैलता है, ये एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, टीएसी टीएसी लिखते हैं वैसे इसे। तो ये देश है टोगो, टोगो, टोगो ने पूरी तरह से इसका उन्मूलन कर दिया है, याद रखिए। और पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है, पोलियो फ्री हो गया है। कौन सा बैंक है जिसने एक आभासी प्रदर्शनी का आयोजन किया, वर्चुअल एग्जीबिशन, जिसका नाम है होम उत्सव? होम उत्सव बनाया है आईसीआईसीआई बैंक ने, यह शुरू करा है आईसीआईसीआई बैंक ने। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। अमूल कंपनी जो है दुनिया की बेस्ट डेयरी जो है उनमें कौन से नंबर पर रही? अमूल के साथ वैसे अभी अभी करार करा है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, वहां के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए और वहां की डेयरीज को प्रमोट करने के लिए। अमूल है आनंद में, आनंद है गुजरात में, अमूल का हेडक्वार्टर है आनंद, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो ये दुनिया की जो बेस्ट डेयरी है उनमें 16वें नंबर पर रही अमूल डेयरी। दुनिया की नंबर वन डेयरी है नेस्ले, और नेस्ले है स्विट्जरलैंड की। भारत का कौन सा आईआईटी है, प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसने एयर स्कैनर लॉन्च करा है? ये एक आप कैम स्कैनर की जगह से यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा आपके। ऐसी ही एक ऐप सेल्फ स्कैन यूज करी थी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, और अभी अभी एयर स्कैनर को बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने, आंसर है आईआईटी बॉम्बे। अभी अभी भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के द्वारा गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसे मिला है? यह अवार्ड मिला है अभी अभी हैदराबाद को, हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में एक तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है और एक है बेगमपेट एयरपोर्ट, ये दो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा है? सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? नए इसके चेयरमैन बने हैं हेमंत खत्री, हेमंत खत्री। बाकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल कंपनी जो है इसकी चेयरमैन पहली बार एक महिला बनी है, जिनका नाम है सोमा मोंडल, सोमा मोंडल। कौन सी जीवन बीमा कंपनी है जिन्होंने एक आभासी चैटबॉट लॉन्च करा है, जिसका नाम है लीगो? लीगो को लॉन्च करा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, यह चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है लीगो। अभी अभी किताब लिखी गई है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इसे किसने लिखा है? इसको लिखा है मशहूर निर्माता और निर्देशक करण जौहर ने, करण जौहर, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। कौन सा बैंक है जो कानपुर मेट्रो में निवेश कर रहा है 650 मिलियन यूरो यानी कि 65 करोड़ यूरो, 65 करोड़ यूरो का जो लोन है वो दे रहा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो है लग्जमबर्ग में है, इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ कंफ्यूज मत करना, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। जो क्रिस्टीन लागार्डे हैं वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। गंदगी भारत छोड़ो ये अभियान भारत के कौन से राज्य ने चलाया? गंदगी भारत छोड़ो अभियान अभी अभी चलाया मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना कैंपेन भी चलाया था जो काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, विश्व धरोहर हैं, यूनेस्को के विरासत स्थल हैं। एक तो है भीमबेटका की गुफाएं, एक है सांची स्तूप, और एक है भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के टेम्पल। कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक यह डिसीजन लिया है कि इस राज्य के हर जिले में बिजली की चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन बनाएगी सरकार? ये पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी, पूरे 75 जिलों में बनाएगी, ये डिसीजन लिया है यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश। यहां पे नवीन छतरी रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। अभी अभी पहले भारत के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने जिनके नाम पे एक स्टेडियम बनेगा? ये स्टेडियम नामची में बनेगा, नामची नाम की जगह सिक्किम में है, तो इनका नाम है भाईचुंग भूटिया, भाईचुंग भूटिया। अभी अभी भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? इंडियन रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं विनोद कुमार यादव, ये पहले चेयरमैन भी थे और अब सीईओ बन गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की क्या रैंक आई है? यह सूचकांक दिया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक हैं डैरेन टैंग जो सिंगापुर के हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं, चीफ हैं डब्ल्यूआईपीओ के, और इंडिया की रैंक है 48। और नंबर वन कंट्री इसमें कौन सा है? नंबर वन कंट्री है इसमें स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड रहा नंबर वन पे। कौन सी नई लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है, आधिकारिक लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा जम्मू कश्मीर की? तो 5 भाषाएं हैं, एक तो है उर्दू, एक है इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी। तो 5 भाषाएं हैं जो ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं बन गई हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, यहां का जो केसर है सैफरन, उसे जीआई टैग मिला था। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर कहां पे होता है? पुलवामा में।
यहां पे उज परियोजना बन रही है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उज नदी पे जो रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है वहां पे बन रहा है, कठुआ में बन रहा है। ठीक है, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहां पे और डचीगम नेशनल पार्क भी है। हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में चला गया है, तो ये भी याद रखना है। और मनोज सिन्हा यहां के राज्यपाल है। 118 चाइना की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वो ब्लॉक कर दी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। तो ये कौन सी धारा लगाई है? आईटी एक्ट की, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा का नाम है 69A, धारा 69A, जिसके तहत ये उन्हें अधिकार मिलता है। इसके मंत्री है रविशंकर प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ये लॉन्च की गई है भारत के कौन से सेक्टर के लिए, कौन से विभाग के लिए? ये लॉन्च करी आर के सिंह ने, जो हमारे बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। तो आंसर है आर के सिंह ने लॉन्च करी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का मतलब यह होता है कि अगर कोई कंपनी सोलर एनर्जी बना रही है, सौर ऊर्जा बना रही है, तो उसे वो बेच सकती है बिना पीपीए साइन करे हुए, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हुए। अभी अभी बजाज अलायंस जो जीवन बीमा कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना। हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने जो हमारे लोक अधिकारी हैं, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर वगैरह, उनमें सुधार के लिए, उनमें एक तरह से कौशल विकास के लिए, क्षमता निर्माण के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया, उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। अभी अभी द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज ये कौन से संगठन ने लॉन्च करा है? इसका लक्ष्य यह है कि 20 करोड़ बच्चों को ऐसी आदतें सिखाई जाएं, दुनिया में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ बच्चों को ऐसी आदतें सिखाई जाएं कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वातावरण पर जिनका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये लॉन्च करी है यूएनईपी ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी गुडविल एम्बेसडर इंडिया के लिए है दिया मिर्जा। कुतुब मीनार आप देख सकते हैं यहां पे, इसे अभी अभी रोशन किया गया कुतुब मीनार को। तो ये कौन से देश की सॉलिडेरिटी मूवमेंट जो है, उसकी 40वीं वर्षगांठ थी, इसलिए किया गया? ये देश है पोलैंड। पोलैंड की करेंसी है जलोटी और राजधानी है वॉर्सो। अभी अभी कौन सी कंपनी ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा है स्पाइस ऑक्सी? स्पाइस ऑक्सी को बनाया है स्पाइस जेट ने, विमान कंपनी स्पाइस जेट, और अजय सिंह जो है इस कंपनी के चेयरमैन हैं। अभी अभी पंजाब और सिंध बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है, यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी? ये बने हैं मिस्टर एस कृष्णन। एक किताब लिखी गई है अभी अभी, लेटेस्ट ड्रीम, ये किसने लिखी है? ये लिखी है पोप फ्रांसिस ने, जो अभी पोप है, वेटिकन में बैठते हैं, ये कैथोलिक जो ईसाई धर्म है उसमें सबसे ऊंचा पद होता है। और एक किताब दलाई लामा ने भी लिखी अभी अभी, जिसका नाम है आवर ओनली होम, आवर ओनली होम। सबसे बूढ़े जो पोप हैं, वो किताब मिला है पोप बेनेडिक्ट को, जिन्हें जोसेफ राटजिंगर बोलते थे, जर्मनी के थे। अभी के जो पोप हैं, वो अर्जेंटीना के हैं। राजकुमार श्रीवास्तव हमारे राजदूत बने हैं कौन से देश में? ये है यूरोपियन कंट्री क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी है ज़ाग्रेब। इंद्र युद्ध अभ्यास, समुद्री युद्ध अभ्यास हमने इंद्र नेवी किसके कंट्री के साथ कराया? ये युद्ध अभ्यास हमने कराया रूस के साथ। रूस खुद का भी एक युद्ध अभ्यास करवा रहा है, जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेंगे, काउकाज, लेकिन इसमें भारत हिस्सा नहीं लेगा। जो हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसने भारत का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे? यानी रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर, रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर बनेगा जयपुर में। और हमारे दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, राजीव कुमार और सुशील चंदर, और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। अभी अभी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की बेस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और दुनिया की बेस्ट है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यह किताब किसने लिखी है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को लिखा है मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। साउथ इंडियन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं मुरली रामाकृष्णन। सोनामुरा से दौड़गंडी तक एक नया रास्ता शुरू हुआ है, व्यापार रास्ता, जलमार्ग। ये कौन सी नदी के किनारे हुआ है? ये गोमाती नदी के किनारे हुआ है। तो ये त्रिपुरा को जोड़ेगा बांग्लादेश से, सोनामुरा से दौड़गंडी। और एक स्टार्ट हुआ है भूटान में पसाखा से जयगांव, जयगांव जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कौन सा आईआईटी है जिसने चक्र डी कोव बनाया है, जिससे आप अपने N95 जो मास्क हैं उनका कीटाणु शोधन कर सकते हैं, उनको डीकंटेमिनेट कर सकते हैं? ये बनाया है अभी अभी भारत के आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली। कौन सा राज्य है भारत का जिसने पोकर, रमी वगैरह जैसे गेम जो हैं वो बैन कर दिए हैं, ऑनलाइन गेम बैन कर दिए हैं, पोकर और रमी, ये बैन करें अभी अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश। अभी अभी भारत ने कौन से देश के साथ एक एमओयू साइन करा है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच आपसी सहयोग होगा, यानी फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेस। तो ये भारत ने साइन करा है फिनलैंड के साथ, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप बनाया है आई रखवाली? आई रखवाली और आई हरियाली, ये दोनों मोबाइल ऐप जो हैं ये पंजाब सरकार के हैं। पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी नाम का मोबाइल ऐप भी बनाया है। और एक मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है, मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम पलट के कैप्टन अमरिंदर सिंह के फादर लेट महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पे रखा है, जो पटियाला के राजा थे। कौन सी कंपनी ने अमेरिका की कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन को खरीद लिया है $42 मिलियन में? ये भारत की इन्फोसिस ने खरीदा है। इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलिल पारिख, और विप्रो कंपनी के सीईओ हैं थियरी डेला पोल्टे। कौन सा देश है जो क्वाड मीटिंग और 2+2 वार्ता यानी 2+2 डायलॉग का होस्ट मेजबानी करेगा? इस बार ये दोनों के दोनों इंडिया में होंगे। इंडिया में G20 समिट भी होगा 2022 में, G20 शिखर वार्ता 2022 में, 2021 में इटली में होगा, और 2020 में साउदी अरब में होगा।
जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बायोडायवर्सिटी काउंसिल बनाई है, यानी कि जो जैविक विविधता उसके लिए परिषद बनाई है, 10 सदस्य होंगे, इसमें 10 मेंबर हैं। इसका चेयरमैन कौन होगा? इसका चेयरमैन बनाया है मोहित गेरा को। मोहित गेरा कौन सा राज्य है जो क्रूज शुरू कर रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डामो है, और एक क्रूज है हमारा भारत का आदित्य फेरी। यह सोलर फेरी है, सोलर से चलती है, इसे गुस्ताव ट्रू अवार्ड मिला है, गुस्ताव ट्रू अवार्ड। तो रिवर जो क्रूज है वो ओडिशा की सरकार स्टार्ट कर रही है। ओडिशा की सरकार ने अग्निशमन सेवा पोर्टल भी शुरू करा था फायर सर्टिफिकेट को देने के लिए। यहां पे गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सतकोसी और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर AK-47-203 राइफल बनाएगा? यह राइफल बनाने के लिए फैक्ट्री भी लगाई थी भारत ने अमेठी में लास्ट ईयर, और एक K9 वज्र गन बनाने के लिए भारत ने तोप बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई थी हजीरा में, जो कि सूरत के पास है। AK-47-203 रशिया के सहयोग से बनेंगी, इंडिया में बनेंगी, और भारत ने इसराइल से भी बंदूक खरीदी है। एक बंदूक का नाम है अराड और एक का नाम है कारमल। कौन से राज्य की सरकार ने स्वयं स्कीम को दोबारा स्टार्ट कर दिया है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इसका नाम रखा है। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। तो स्वयं SVAYEM ये योजना असम सरकार ने शुरू करी है, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, यानी स्वयं। तो आंसर है असम। असम में अभिनंदन योजना भी चल रही है, एजुकेशन लोन सब्सिडी योजना है अभिनंदन, यहाँ पे अरुंधति योजना भी चल रही है, और यहाँ पे अरुणोदय योजना भी चल रही है, जिसमें गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 830 रुपए डाले जाते हैं, यानी साल में 10,000 रुपए डाले जाते हैं। कौन सा कंट्री है जिसने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लॉन्च करी है भारत के साथ, यानी एशिया प्रशांत रणनीति बनाई है भारत के साथ? ये कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, इनकी पार्टी का नाम है CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। अभी अभी आरे कॉलोनी में 600 एकड़ जमीन जंगल बना दी गई है, यह निर्णय लिया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? यह है महाराष्ट्र। और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से चली थी बिहार के दानापुर तक, यह भी आपको याद रखना है। डॉक्टर नीला मल्होत्रा ये हमारी राजदूत बनी है कौन से देश में? यह बनी है इटली में हमारी राजदूत। यहां के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ कोंटे, राजधानी रोम है इटली की। विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का चेयरमैन कौन बना है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन बने हैं मिस्टर रैंडी स्मॉलवुड, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इसका मुख्यालय लंदन में है। एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड रिपोर्ट, जो बताती है कि किस राज्य में बच्चे कितने खुशहाल हैं। ये एनजीओ ने दी है जिसका नाम है मोबाइल क्रच, और इसको लॉन्च किया था हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो इसके हिसाब से भारत में बच्चे जो खुशहाल हैं सब ज्यादा खुश हैं केरला में, और बच्चों की सबसे खराब हालत जो है वो बिहार में है। अभी अभी सबसे बूढ़े पोप कौन बन गए हैं ईसाई धर्म के इतिहास में? ये है पोप बेनेडिक्ट 16, जिनको जोसेफ राटजिंगर कहा जाता है, इनका असली नाम है जोसेफ राटजिंगर, जर्मनी के पोप हैं। अभी जो पोप है वो है पोप फ्रांसिस। पशु संजीवनी ये एक जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है किस शहर में? पशु संजीवनी अभी स्टार्ट की गई मैसूरू में, और मैसूरू से लेकर बीदर तक कर्नाटक राज्य औद्योगिक गलियारा बना रहा है, यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। कौन सा राज्य है जिसने किफायती एलईडी बल्ब योजना शुरू करी है? इसमें जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा के नीचे, SC ST और OBC, उन्हें बहुत कम दाम में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो यह योजना पंजाब सरकार ने शुरू करी है, किफायती एलईडी बल्ब योजना। केरल में पहली ओपन यूनिवर्सिटी बन रही है, पहला ओपन विश्वविद्यालय, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका नाम नारायण गुरु के नाम पर रखा जाएगा, धार्मिक गुरु नारायण गुरु। कौन सा राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर वन स्थान हासिल कराए, व्यापार में सहजता सूचकांक में नंबर वन स्थान हासिल कराए? पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। कौन सा बैंक है जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम शुरू करी है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यह शुरू करी है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके लिए कंडीशन यह है आप बैंक में या तो कम से कम 25 साल सेवा दे चुके हो, या आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो। तो यह था हमारा 300 बेस्ट MCQ सितंबर का भाग एक, ये मैं लेके आया हिंदी में आप तक, और भाग दो का इंतजार करिए। आपको जो भी MCQs है इनका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन में आपका कितना स्कोर आया जरूर